नमस्कार, आप सबके बहुत बहुत स्वागत है अवधि वाणी के विशेष एपिसोड घुमंतु कैमरा पर। हम हैं आपके दोस्त और यह चैनल के होस्ट भानु भैया, और आप सभी देखते हैं अपन मनपसंद अवधि चैनल अवधि वाणी। घुमंतु कैमरा के ई एपिसोड में हम लेके आए हैं अमेठी जिला से एक विशेष रिपोर्ट। आज बड़ा ही नेक दिन है कि जायसी की त्रिलोचन शास्त्री की भाई जगदीश पीयूष जैसे अवधि आराधकन के धरती पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिके जिहमा जो है डॉक्टर अर्जुन पांडे के किताब कहानी किहानी संग्रह जब जागो तब सवेरा पर चर्चा रखी गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जय देश दुनिया में अवधि के लिए लड़ाई लड़ी रहे हैं, अवधि के आराधक अवधि के हमारे सारथी भैया डॉक्टर राम बहादुर मिश्र का आज जन्मदिन है। ये अवधि वाणी चैनल के माध्यम से हम अवध भारती संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुई के विश्वम्भर नाथ अवस्थी उर्फ पप्पू भैया का भी जन्मदिन आज है। दोनों के हम संयुक्त रूप से इस चैनल के माध्यम से बधाई दे थे, शुभकामना दे थे, वे सताए हुए लुटा कर गंद भी अपनी जो हर पल मुस्कुराते हैं, सजाने के लिए मंडप जो गर्दन तक कटाते हैं, मनुज को सीख देते हैं गले का हार बन करके, चमन के फूल अच्छे हैं जो सबके काम आते हैं, चमन के फूल अच्छे हैं जो सबके काम आते हैं। 12 सितंबर दिन अत्तवार का अवधि साहित्य संस्थान और अमेठी जल बिरादरी के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ के प्रांगण में पुस्तक के चर्चा और सारस्वत सम्मान समारोह में अवध क्षेत्र के अनेक जिला के अवधि साहित्यकारन कवि और पत्रकारन के जमावड़ा भवा। यही सारस्वत सम्मान समारोह के अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन पांडे के गद्य के किताब प्रकाशित भे अवधि कहानी संग्रह जब जागे तब सवेरा किताब के यह इनाम। इस सम्मान समारोह के साथे साथे पुस्तक के परिचर्चा के साथे अवधि साहित्यकारन का सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सारस्वत सम्मान समारोह के शुरुआत दीप जलाई के माता सरस्वती के वाणी वंदना से भवा। अमेठी साहित्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन पाड़े अतिथियन के स्वागत के दौरान कहें कि अवधि के केंद्र अमेठी, अवध के माटी के सुगंध फैलावे खातिर अमेठी अवधि संस्थान के स्थापना कीन गए है। हमका पूरा विश्वास है आप सबे के सहयोग रहे तो अवधि के विस्तार में कौनो कमी ना हुए। आज के सारस्वत सम्मान के पहले सत्र में जब जागो तबे सवेरा कहानी संग्रह पे परिचर्चा भवा, यह परिचर्चा में राष्ट्रीय स्तर के अवधि समीक्षक अवध साहित्य मनीषी आराध्य शुकुल सीतापुर से आए रहे, डॉक्टर विनय दास बाराबंकी से, अमेठी के अवधि साहित्यकारन और सभे मनी भाग लिहन। समीक्षा के दौरान आराध्य शुकुल कहें कि लोक कथा पे आधारित ई संग्रह प्रबोधक और उत्प्रेरक के साथे अवधि जगत का एक नवा संदेश लाओ वाली है। यही कहानी संग्रह से सभी पाठकन का कुछ ना कुछ जरूर सीखे का मिले। और डॉक्टर विनय दास कहें कि यही कहानी संग्रह से भारतीय संस्कृति का समझे के अच्छा मौका मिले। डॉक्टर पाड़े के कहानी
कथानक में प्रवाह देखे का मिले। पुस्तक की हर कहानी रोचक और प्रेरक है। यही पुस्तक की परिचर्चा में डिप्टी कमिश्नर मिथिलेश शुक्ल, उत्तर प्रदेश पत्रकार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अम्बरीश मिश्र, जिला पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव भारती, ये सब जने अपन अपन विचार रखें। और दूसरे सत्र में कार्यक्रम के सबका सारस्वत सम्मान से सम्मानित किन गवागा, जहिमा अवधि के पुरोधा, देश दुनिया में अवधि के पताका फहराव वाले डॉक्टर राम बहादुर मिश्र का अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और अभिनंदन पत्र भेंट के अवध अवधि सम्मान से सम्मानित किन गवागा। कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में सीतापुर से पधारे भैया आराध्य शुक्ल, समीक्षक डॉक्टर विनय दास बाराबंकी से कला संस्कृति के पहचान बने विशंभर नाथ अवस्थी उर्फ पप्पू भैया, अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका कला संस्कृति का आगे बढ़ाव वाली बहनी कुसुम वर्मा, और देश विदेश में अवधि संस्कृति का डिजिटल तरीका से फैलाव वाले आप सबके दोस्त, आप सबके भाई, आप सबके लड़का भानु भैया का भी अवध अवधि सम्मान से सम्मानित किन गवागा। सम्मान समारोह की श्रृंखला में नेहरू युवा केंद्र के अमेठी के उपनिदेशक डॉक्टर आराधना राज का जल संरक्षण सम्मान से सम्मानित किन गवागा। राजम शाह शुक्ल अमरीश अमेठी। राम बहादुर मिश्र का जन्म दिवस है आज, ईश्वर से है प्रार्थना करें युगों तक राज। भव्य धरा यह धन्य है आज पधारे आप, भव्य धरा यह धन्य है आज पधारे आप। मिटा हमारे नयन का जो जलता था ताप, दिया राष्ट्रपति ने तुम्हें परम उच्च सम्मान। धन्य हुआ साहित्य यह मिला सजीवन प्राण। जिए हजारों वर्ष तक स्वस्थ रहे सब काल, गौरव से ऊंचा रहे सदा आपका भाल। तो जीवन में व्यापे नहीं किंचित कोई क्लेश, देते हैं शुभकामना अपनी कवि अमरीश। इसी के साथ मैं कुड़सा धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और अवधि बानी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो माँ गायत्री के पावन प्रांगण में इस कविता का मूल्यांकन किया है। यह संपूर्ण विश्व में आपका नाम उज्जवल करें। ये पूरे कार्यक्रम का अवधि बानी चैनल विशेष रूप से कवर की हिस्स, कुछ लोगों से बातचीत भी किन गवागा। आवा देखा जाए बातचीत के कुछ अंश अवधि बानी चैनल पर। दरबार के जितना आचार्य और व्यवस्थापक हाँ सबके प्रति आभार व्यक्त कर, सबके प्रति एक दुई लाइन हमारे दिमाग में जो अनावत बा, आप सब आए ज्ञान की दिशा पूनम का रात मिल गई। आप सब आए ज्ञान की दिशा पूनम का रात मिली, अभी खेरा बिखेरन जो प्रकाश एक नई सौगात मिल गई। यही हमारे सबके लिए बहुत बड़ी ऊर्जा का काम करे। हम चाहिए थे कि ये अमेठी के माटी का सुगंध फैलाओ में आप सबसे स्नेह और प्यार मिले। यही के साथ ही सबका हृदय से वंदन अभिनंदन और स्वागत हो सकता है। आज हमारे साथ डॉक्टर धनंजय सिंह विशेष रूप से शंकास्पद हैं, कम से कम आज छाया की तरह से दूसरे मिल के आज हमारे कार्यक्रम का आगे बढ़ाऊँ। त्रिवेणी सिंह का सबका हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत है, और पूरे मनोयोग के साथ सब हमारे सब जितने दिन मिल के कार्यक्रम में हैं सबका गदगद मन से हम आज अपने हृदय से सबका स्वागत और वंदन अभिनंदन सब प्रताभारी। यही हम चाहे थे कि आप सब हमेशा यही तरह आवत रहें, यही अपेक्षा यही आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय। और आप सबका अवधि बानी चैनल कस लागत है भैया, तनी कमेंट कीन जाए तो हमें सबका पता चले कि भाई कौन कमी यह है, कौन अच्छाई यह है, यही का कैसे आगे बढ़ावा जा सकता है, यही का कैसे और नीक कीन जा सकता है। तो आप सबके जो कमेंट आवत है तो हमें सबके खातिर वह बड़ी ताकत हुआ है, वह बड़ा आत्मबल हुआ है।
तो भैया एक बात तो आप सभी जानते हो कि अवधी संस्कृति अवधी भाषा है या इंटरनेट पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग तो है नहीं ना, तो आप सबके का ट्रेंडिंग करे का है। जहाँ कहूँ अवधी संस्कृति अवधी भाषा के प्रचार प्रसार की बात हुए तो वहाँ आगे बढ़ के लोक लीन जाए। तो आप सबसे एक निवेदन करता है कि अवधी बानी चैनल का, चाहे आप फेसबुक पे देखत हो, ट्विटर पे देखत हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम यूट्यूब पे देखत हो, कहूँ देखत हो, हर जगह ये का फॉलो कर लियो, ये के वीडियो का लाइक कर लीन जाए अगर पसंद आवत हुए तो, और अगर हम सब तनिको भी नीक काम करित हुए तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीन जाए, और बगल वाला घंटी वाला जो बटन है उसका दबाए देहो तो यह के नोटिफिकेशन आपका समय समय पर मिला करे। हमें लगा था कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हुए तो इससे पहले इजाज़त ले लीन जाए आप सबसे ई एपिसोड से। तो आज के एपिसोड आप सबका कैसन लाग, ई घुमंतु कैमरा के एपिसोड आप सबका कैसन लाग कमेंट करके जरूर बतावा जाए। इजाज़त दीन जाए आज के ई स्पेशल एपिसोड से अपने दोस्त और चैनल के होस्ट भानु भैया का। जय अवध, जय अवधि, जय जय सियाराम।